मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इम्प्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके गुलजार नगर के रहने वाले 22 साला अब्बास नामी एक शख्स की कत्ल की वारदात पेश आई है। मुकामी अफराद ने जख्मी अब्बास को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने बाद मायना इसे मुर्दा करार दिया गया है। अब्बास के भाई ने मीडिया से मुखातिब करते हुए परवेज नामी एक शख्स पर यह इल्जाम लगाया है और ये कहा है कि परवेज नामी एक शख्स ने इनका कत्ल किया है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की रिपोर्ट। आप लोग कुछ भी ख्याल नहीं कर रहे, मेरे बच्चे की तरफ से मैं रो भी नहीं सक रही हूँ। मेरा बच्चा ऐसा कुछ कम करने वाला नहीं था, किसी के गलत चौकों में नहीं रहने वाला मेरा बच्चा। वो कौन करे दुश्मनी से क्या नहीं, जरा आप लोग अभी काम नहीं करे, खाना खा के अभी निकला बच्चा बाहर, खाना खा लेके बैठे सब जने। ये मेरी बेटी है, बच्चा है वहाँ, हाँ बच्चे की शादी हो गई, नहीं 3 महीने चुना शादी हो गए। अब तक हमारे बच्चों का ऐसा बाहर ऐसा किसी से झगड़ा करे सरकार नहीं देखी, किसी से दुश्मनी है सरकार नहीं देखी। गवर्नमेंट में काम करता, हाँ गवर्नमेंट में काम करता मेरा बच्चा शेख अब्बास है। 3 महीने छुआ शादी होके मेरे बच्चे की, 20 से 3 साल का बच्चा है मेरा। हमारे को नहीं मालूम, हम पूरे घरों में थे, हम बाहर जाते नहीं, कहीं भी आते नहीं। बच्चा भी अभी आके खाना खा लेके अभी बैठे हुए इससे पूरे जने, मेरे छोटे भाई का बच्चे का। हाँ क्या है कि नहीं मालूम, परेशानी में हत्ता नहीं बोला हमारे को कोसी भी बात, उन्हें वैसे चले गया। किसी को भी नहीं मालूम घर में क्या परेशानी है बोल के, उन्हें हमारे को बात भी नहीं करा। आया खाना खाया, बाजुक मेरे बाजुक बेटा, मैं अम्मा हूँ उसकी, क्या मैं ऐसा कभी भी मेरा बच्चा गलत काम खा ले। यहाँ से हम लोग यहाँ से थोड़ी देर छुआ कहाँ हुआ कि नहीं मालूम, या कचरे की कुंडी करने। हम लोग यहाँ फकीर हैं, मंगने वाले हैं, मंगले के बच्चों को पालते हैं, क्या अब वो क्या है मजदूरी में बच्चे को काम पे भी जाते हैं। हम लोग घरों में रह के रहने वाले हैं, कहीं भी जाने वाले नहीं होते, क्या ऐसा हमारे तिगल कुंटे पे भोत से मटरा हुए है। एक वो ये हो गया इन लोगों को रहने का करने का, नहीं नहीं किससे भी नहीं हुआ, पहली बार हमारा बच्चा किससे भी नहीं, किससे है कि नहीं मालूम। कोई दोस्त उसका घर पे आता ना, कोई दुश्मन आता ना, कोई भी नहीं आता घर पे। और अभी क्या चाह रहे हैं पुलिस से? पुलिस से मेरे को मदद चाह रही हूँ, उनको इंसाफ होना मेरे बच्चे को, बस मेरे बच्चे को बचाना, मेरे को इंसाफ नहीं तो नहीं, मेरे बच्चे को बचाना बस, मेरे को उत्ता छोना, दूसरा कुछ भी नहीं होना। इनकी इंसाफ नको, मेरा बच्चा मेरे का नहीं रहे तो, हाँ गए थे PSP जाके आए, बस तुम लोग पूरे नमाज पढ़ गए मेरे बच्चे को। एक ही बच्चा मेरा, मदद भी नहीं है मेरा बच्चे, मेरी बच्ची एक ही है, बच्चा भी एक ही है। मेरी पूरी जिंदगी मेरे बच्चों के हाथ से मैं खत्म कर दी, क्या मेरे को रोना नहीं आ रहा। फलकनामा PS में दे दिया, ये मेरी बच्ची है, बच्ची की भी शादी है 8 तारीख हुआ, क्या अभी हम लोग कंप्लेन दे के यहाँ जा रहे आए। अब ये दोस्ताने में दोस्तान लेके गए, क्या करे ये अल्लाह को बेहतर मालूम। परवेज बोल के फोन आया था, परवेज का उसका फोन आया तो चल गया, और मैं मेरे बच्चे का बर्थडे कर रहा हूँ था मुझे, तो मैं लाया के घर में रखा, उन देखा उन, अब भी आ रहा हूँ मामू बोल के गया, दुकान को जाके आ रहा हूँ मामू, अब भी आ रहा हूँ बोल के गया, गया तो आता हूँ ना बोल के हम केक उक काट के नीचे घर को जा रहे थे, हम घर नीचे तो हम जा रहे थे, मेरी बहन पुकार के क्या बोलिए मालूम, अरे वहाँ मैं बाजे को मारे आ रही है भाई, बोले तो बोले क्या सीढ़िया 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 से भागले से आ रहा था मैं, मैं वहाँ जाके देखे तो अरा गिर वाला था अब्बा जो हमारे बहन का भी
बहन अगर मरे नया हुआ था आप कुछ भी ना हुआ हम जी एच एम अब लोग तीन साल से जी एच एम सी का काम कर रहा हूँ मैं वो इधरा कोसा एरिया नाम बोल कहाँ काम करते हम लोग काम करते गांधी इंदिरा पार्क ने इंदिरा पार्क से डायरेक्ट पूरा काम कर लेते उसके बाद 5:30 बजे आ जाते अब उसके बाद में घर में खामोश गेम खेलने से खामोश बैठ जाते अब अचानक से बाहर चले गया उन्हें बर्थडे का मामा चाचा हमारे बुलाए और ये केक काटेंगे बोले तो उन्हें नहीं आया मैं चले गया उन्हें बाहर चले गया मैं अभी आ रहा हूँ बोल के बस इतनी बात करा अब उन्हें चले गया मैं भी एक बात भी नहीं बुलाया उन्हें मेरे को आ रहा महबूब गएंगे बोल के वो मारने वाला मुझे देखे नहीं देखे कोई भी नहीं देखे परवेश परवेश नाम का एक लड़का है दोस्त है उसका उसका दोस्त है ना दोस्ता पहले उसके झगड़ा हुआ था और एक 1.5 साल पहले झगड़ा हुआ था तो वहाँ से परवेश से हुआ था अब वो टिकल घुंटा चौरसे पे हुआ था अब वहाँ से रफा दफा कर दिए उसके बाद निकल के आ गए फिर अब क्या हुआ बोले तो 2 दिन उन्हें कांकी जाके आया कहते जाके आए बाद क्या बोला कहते भाई 2 दिन से लाइट नहीं है घर में तुम आओ क्योंकि दूसरों को किसको भी बुलाया तो उन्हें नहीं आ रहे घर को तुम आओ नहीं जी मेरे को आज तक बहुत टाइम होता बोल के अब बस बोला क्या टाइम होता बोले तो 12:01 बजे रात के बोला इन्हें अच्छी बात है नको आ जाओ रात के 12 बजे भी आ जाओ बोल के बोले अच्छी बात नहीं आ सकता मैं दूसरों को भेजता हूँ बोल के खुद उसको भेज दिए उन्होंने करे या नहीं करे नहीं मालूम फिर लास्ट कॉल अब आया देख 4 दिन पहले आया था उसके बाद में अब आया कॉल अब उन्हें उस कॉल वजह से बाहर गया नहीं मालूम या उसको बुला के लेके गए नहीं मालूम उसको मटर कैसे हुआ भी नहीं मालूम इनके कॉल के ऊपर ये लोग घर से बाहर निकले कॉल के वजह से निकले साहब अभी क्या चाह रहे हैं पुलिस और हुकूमत से क्या चाह रहे हैं साहब हम लोगों को देखो भाई बोलो भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू देखो भाई मेरा नाम सैयद मौला है गुलजार नगर फकीरी के बस्ती में रहता हूँ मैं भी एक फकीर हूँ हमला सब ये 2-3 हमला फकीरा है जात के फकीरा है अब ये प्रेजेंट अब क्या हुआ क्या नहीं अल्लाह बेहतर जाने हमला खाना खा ले के मशरूफ थे अब वो बच्चे को फ़ोन आया था कहते परवेज नाम का अब उनका क्या करा क्या नहीं अल्लाह बेहतर जाने हम लोग तो खाना खा ले के थे प्रेजेंट हमला बाहर निकले खाना खा ले के भाई ऐसा हुआ बोल के गए वो उन्हें मारा या नहीं मारा अपने को तो नहीं मालूम भैया देखो अपने को इंसाफ चाहिए देखो हम किसी के अंग में है ना संग में है देखो हम किसी को आज तक कोई YouTube पे कोई Facebook में कोई चैनल पे देख लो आप गुलजार नगर के फकीरा ऐसा हुआ वैसा हुआ बोल के कोई शिकायत नहीं आई अब तक देख लो आप किसी के कोई से भी चैनल पे देख लो आप मैं भी AIMIM का वर्कर्स हूँ मैं भी अब तक जो चल रही जी अभी जो कंप्लेंट अभी मैं कंप्लेंट करके आ रहा हूँ मेरे को इंसाफ चाहिए बस कि रात 10:30 बजे के बाद गुलजार नगर में मोहम्मद अब्बास को उन्होंने घर में खाना खा रहे थे उनको उनका दोस्त कोई बाहर बुला के उनको मारा बोल के मालूम हुआ फौरन वो एरिया के लोग उनको उस्मानिया हॉस्पिटल शिफ्ट करे उन्होंने हॉस्पिटल के को जाने के बाद उनका इंतकाल हो गया बोल के मालूम हुआ हम लोग इमीडिएट स्पॉट विजिट करे और टीम्स को लगाए उसको जल्द से जल्द केस को हम लोग डिटेक्ट करते सर प्रीवियस कुछ इनका हिस्ट्री वगैरह है क्या नहीं है किसी के ऊपर नहीं है ना मरहूम के ऊपर भी नहीं है और या जो मारे बोल के जो भी अपने को सस्पेक्ट जो समझ में आ रहा है उनके ऊपर भी नहीं है किसी के ऊपर केसेस नहीं है बोल के मालूम है सर आपके हिसाब से क्या मोटिव हो सकता होगा अभी थोड़ा फर्दर इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो सकता अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपसे ये गुजारिश है अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें 7H News सिर्फ आपकी आवाज़